वहीं फरीदाबाद में स्पेशल ऑटो चेकिंग अभियान के तहत बल्लभगढ़ बस अड्डा चौक की पुलिस ने करीब 50 से ज्यादा ऑटो का चालान किया। हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत से चौकी प्रभारी उमेश कुमार ने खास बातचीत करते हुए बताया कि ऑटो की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ चौकी बस अड्डा चौकी प्रभारी उमेश कौशिक मौजूद है। उमेश कुमार जी, उमेश जी, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, कभी स्कूटी चेकिंग अभियान, कभी मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान, और आज स्पेशल जो है ऑटो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्या वजह है, क्यों चलाने पड़ते हैं ये अभियान? ऑटो वाले क्या करते हैं, जगह जगह रोड पर खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से जाम लगा रहता है, और इनको काफ़ी बार समझाया जाता है कि भाई रोड पर सवारियां ना उतारे, ना चढ़ाएं, साइड में करें, लेकिन ये मानते नहीं है। इसलिए अब एक हफ्ते तक लगातार ऑटो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो नियमानुसार ठीक है वो ठीक है, नहीं तो उनके चलान किए जाएंगे। हम सुबह से देख रहे हैं, सुबह से ही आप रोड के ऊपर, आपकी पुलिस रोड के ऊपर लगातार ऑटो की चेकिंग की जा रही है, कोई प्रॉपर जगह ना होने की वजह से रोड पर लगते हैं, ऐसे में क्या लगता है इस चेकिंग से कितना फर्क पड़ने वाला है? नहीं, आज बिल्कुल जैसे चेकिंग कर रहे हैं तो हम खाली खाली सा नज़र आ रहे हैं पूरा बल्लभगढ़। इसी तरह अभी आम जनता को भी कहने लग गई कि भाई आज बहुत अच्छा काम है, ऐसे ही लगातार हम करते रहेंगे। पूरे भारत की जनता यहां पर बस स्टैंड से होकर के गुजरती है, ऐसे में जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है, तो उससे निजात कैसे मिले? सिर्फ और सिर्फ ऑटो चेकिंग अभियान से तो निजात नहीं मिल सकती। नहीं, हमने एक अभियान और चला रखा है, जितनी भी प्राइवेट बसें हैं वो RTA साहब से मिलके, और हमने उनका चेकिंग अभियान भी चला रखा है। इसलिए प्राइवेट बस, टैक्सी, ऑटो सभी को हम यहाँ से जाम की स्थिति से मुक्त करा देंगे। इसमें बल्लभगढ़ चौकी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑटो आप देख सकते हैं कि जो भरे हुए हैं, और लगातार इनकी जो चेकिंग है वो सुबह से चल रही है, और अगले एक हफ्ते तक ये चेकिंग लगातार जारी रहेगी। फरीदाबाद से खबर फास्ट न्यूज़ के लिए मुकेश राजपूत।